हमने पढ़ा था, कल हमने स्टार्ट किया था सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी ध्यान दिए थे, जिसमें सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी में हम लोग पढ़े थे कि भाई सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या होता है। तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी होता है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, और व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। बट हमने देखा था कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स आने का कारण क्या है। तो आने का कारण हमने देखा था ALU, अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्स, लिमिटेड रिसोर्स, अनलिमिटेड वांट्स। ये तीन प्रॉब्लम है जिससे क्या आता है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स आने का कारण है। व्हाई डू दे अराइज, अगर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स आता है तो तीन टाइप का प्रॉब्लम लाता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। क्या प्रोडक्शन करना है, कितना प्रोडक्शन करना है, सॉरी क्या प्रोडक्शन करना है, कैसे प्रोडक्शन करना है और किसके लिए प्रोडक्शन करना है। व्हाट टू प्रोड्यूस में हम देखते हैं दो टाइप का गुड्स होता है, कंज्यूमर गुड्स या प्रोड्यूसर गुड्स। तो ये दोनों में से कोई एक गुड्स हमको प्रोडक्शन करना है। अगर हमने बोला कि भाई हमको प्रोड्यूसर गुड्स प्रोडक्शन करना है, तो हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोडक्शन करें। तो कैसे प्रोडक्शन करें में हमने देखा था या तो लेबर इंटेंसिव, या तो कैपिटल इंटेंसिव, या तो इंसानों के थ्रू बनाओ या तो मशीन के थ्रू बनाओ। अब इसमें हमने देखा कि भाई या तो हम इंसान के थ्रू बना रहे हैं या तो हम मशीन के थ्रू बना रहे हैं। तो हमने देखा लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव में हमने देखा कि या तो लेबर के थ्रू बनाया या तो कैपिटल। फिर हमने डिसीजन लिया कि मान लो जाए लेबर के लिए बनाते हैं, फिर फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन करें। तो इस दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं, रिच पीपल, पुअर पीपल। किसके लिए बनाया, तो हम बना बोलते हैं कि रिच पीपल के लिए। तो ऐसे हमने देखा था कि भाई तीन टाइप का प्रॉब्लम आता है, और तीनों का प्रॉब्लम अगर कोई इकोनॉमी में आ जाता है तो उसका सॉल्यूशन क्या करेगा। तो हमने यहाँ पर देखा था मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, उसके बाद हमारा एक टॉपिक आता है PPC। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, PPC। ठीक है, मोस्ट IMP टॉपिक है ये PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो अगर अपन जैसे बात करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, तो आपको बता दूं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, जैसे मैं अगर यहाँ पर बोलूं कि भाई एक इंसान है, तो एक इंसान के पास मान लो जाए एक जमीन है, एक इंसान है जिसके पास इतना उसके पास जमीन है, जितना ही उसके पास एक जमीन है उस जमीन में उसको उसका प्रोडक्शन करना है। तब भाई वो इंसान है तो उस इंसान पहले क्या करता था, पहले वो इंसान पूरे जमीन पे जितना भी उसका पूरा जमीन है उस जमीन पे, इतने पूरे जमीन में वो पहले पैडी लगाता था, पैडी यानी धान। ठीक है, तो पैडी उन्होंने उस समय कितने पूरे जितने भी उसके पास जमीन होते थे पूरे फुल जमीन पे वो क्या उगाता था, पैडी उगाता था। अब वो बोलता है कि भाई सिर्फ पैडी उगाता हूं तो मैं क्या करूंगा कि अब इत जमीन पे मुझे पैडी भी लगाना है और वीट भी लगाना है। पहले वो सिर्फ कितना क्या करता था, पैडी ही यूज करता था। अब क्या बोलता है कि भाई मैं पैडी भी लगाऊं और वीट भी लगाऊं, मैं दोनों प्रोडक्शन करना चाहता हूँ। अब दोनों प्रोडक्शन करना चाहता है तो इसका जमीन तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा नहीं, जितना जमीन है उतना ही जमीन रहेगा। तो अब इसी जमीन पे उसको पैडी भी लगाना है और इसी जमीन पे उसको वीट भी लगाना है। तो अब वो क्या करेगा, मान लो जाए इस जमीन पे इतने जो जमीन है उस पे टोटल वो पैडी अगर लगाता था ना, तो पूरा टोटल पैडी लगाता था तो 50 यूनिट्स पैडी यूज करता था ना, तो पूरा जमीन कंप्लीट हो जाता था। मतलब 50 यूनिट्स अगर पैडी उसमें लग रहा है तो पूरा कंप्लीट जमीन यूज हो रहा है। तो अब इसको अगर वीट भी लगाना है तो पैडी को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो पैडी अगर मान लो जाए 50 यूनिट लगता था, अब उसको वो 40 यूनिट किया ना, तो 5 यूनिट क्या लगा पाया, वो वीट लगा पाया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पास 10 यूनिट वर्ड लिख दोगे, ऐसा नहीं है भाई। यूनिट का बोल रहे हैं मतलब यहाँ पास इतना जमीन में मान लो जाए इतना जमीन उसने पैडी के लिए यूज किया, तो इतने जमीन में उसने वीट लगा लिया। फिर अब बोलते हैं कि उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करना है, तो मान लो जाए उसने 30 यूनिट्स अगर उसने पैडी लगाया तो यहाँ पास उसको 10 यूनिट्स वीट लगा पाया। फिर हम बोल रहे हैं कि भाई अगर उसने 20 यूनिट्स पैडी लगाया तो उसको क्या बोलते हैं अपना 15 यूनिट्स
वेट लग गया। अगर वो 10 यूनिट पैडी लगा रहा है तो उसको 20 यूनिट वो लग गया, और अगर वो बोलता है कि अगर वो पैडी नहीं लगा करके पूरा वेट ही लगाना चाहेगा बोलेगा, तो पूरे उसको पूरे जमीन पे कितने यूनिट पैडी लगा वेट लगा लिया, 25 यूनिट। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पर उस बंदे को दो डिसीजन लेना था, एक तो बोल रहा है कि भाई मेरे को पैडी भी लगाना है और एक बोल रहा है कि मेरे को वेट भी लगाना है। तो अब ये दोनों, अब उसको मन में आया कि मैं दोनों लगाऊं, तो दोनों लगाने के लिए रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स जिसके पास जो है वो क्या है, लिमिटेड है। इसी लिमिटेड रिसोर्स पे अब उसको दोनों चीज चाहिए। अब दोनों चीज चाहिए तो भाई पहले वो एक ही चीज यूज करता था तो पूरे जमीन में क्या लग पाता था, पूरे जमीन में 50 यूनिट का धान लगता था। अब वो 50 यूनिट्स पूरे जमीन पे लगता था, तब उसको वीट भी लगाना है, तो वीट लगाने के लिए अब उसको पैडी को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अगर वो पैडी को कम करेगा तभी तो वो वीट को लगा पाएगा, है ना, क्योंकि जमीन तो उतना ही है। तो उसने अपना पैडी को कम किया तो उसको क्या मिलते गया, वेट मिलते गया। तो इसी को जो हम, इसी जो कॉम्बिनेशन है, ये जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन अलग अलग, कि अगर 50 यूनिट पैडी लगा तो 0 यूनिट वेट है, अगर 40 यूनिट पैडी लगा तो 5 यूनिट वेट है, अगर 30 यूनिट पैडी लगा तो 10 यूनिट वेट है, अगर 20 यूनिट पैडी लगा तो 15 यूनिट वेट है, अगर 10 यूनिट पैडी लगा तो 20 यूनिट वेट है, अगर बिल्कुल भी पैडी नहीं लगाया तो पूरा 25 यूनिट वेट लग रहा है। तो ये जो अलग अलग कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, एक कॉम्बिनेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इसी कॉम्बिनेशन को हम अगर ग्राफ में प्रेजेंट करते हैं तो उसी को पीपीसी कर्व बोला जाता है। इसी कॉम्बिनेशन को, इसी ये जो गिवन कॉम्बिनेशन है, इसी कॉम्बिनेशंस को अगर हम ग्राफ में अगर शो करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोलते हैं। देखो उसके बारे में क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, एपीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व शोइंग अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑफ टू गुड्स विद द गिवन रिसोर्स एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। तो यहीं पर लिखा है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व शोइंग अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑफ टू गुड्स, अल्टरनेटिव अलग अलग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, अलग अलग प्रोडक्शन करने का जो पॉसिबिलिटीज होते हैं दो गुड्स का, विथ गिवन रिसोर्स, हमारे पास जो रिसोर्स गिवन है उसमें, एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। तो उसी को क्या बोला जाता है, पीपीसी बोला जाता है। उसका दूसरा नाम है प्रोडक्शन बाउंड्री, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोडक्शन बाउंड्री, ठीक है, एंड इट शो द मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन विद द गिवन रिसोर्स एंड गिवन टेक्नोलॉजी। तो ये किसके थ्रू होता है, मैक्सिमम पॉसिबल कब होता है, गिवन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी के साथ होता है। तो इसी को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोला जाता है। क्लियर है? तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है सर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी कर्व इज अ कर्व शोइंग अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑफ टू गुड्स विद द गिवन रिसोर्स एंड कॉन्स्टेंट या टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब उसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो शेड्यूल होता है, जैसे कर्व कैसे बनता है, तो मैंने यहाँ पर जैसे शेड्यूल लिया था, पैडी लिया था और वीट लिया था। तो पैडी मैंने बोला कि 50 यूनिट अगर मेरा पैडी लगता है तो 0 यूनिट वीट लगता है, मैंने बोला 40 यूनिट अगर मैंने पैडी किया तो मेरा 5 यूनिट का वीट लग जाएगा, मैंने बोला 30 यूनिट का अगर पैडी करता हूँ तो यहाँ पर 10 यूनिट वीट लग रहा है, अगर मैं पैडी को और कम करता हूँ तो मेरा वीट और इंक्रीज होगा, पैडी और कम होगा तो मेरा वीट और इंक्रीज होगा, अगर मैं पैडी ही नहीं लगाऊंगा तो 25 यूनिट मेरा क्या लग जाएगा, वीट। अब इसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को अगर मैं ग्राफ में प्रेजेंट करूंगा तो मेरा ग्राफ में कैसे प्रेजेंट होगा, इधर आएगा आपका वाई एक्सिस और इधर आएगा आपका एक्स एक्सिस, ऐसे ही तो है तो ना, भूल जाता, हाँ वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ये आपका हो गया ओरिजिन जीरो। अगर मैं इस साइड को पैडी ले रहा हूँ, इस साइड को वीट ले रहा हूँ, तो मैं डायरेक्ट देखता हूँ सबसे मैक्सिमम पैडी मेरा कितना है, 50, इसको मैं 50 बना लेता हूँ, इसको मैं 25 बना लेता हूँ, तो हाईएस्ट, क्योंकि रिसोर्स मेरा क्या है, लिमिटेड, इतना ही जमीन है, इतने ही रिसोर्स में मुझे सब चीजें उगाना है, तो मेरा इतना मैक्सिमम रिसोर्स, अगर मैं पेडी को हाईएस्ट प्रोडक्शन कर सकता हूँ तो 50 यूनिट, और अगर मैं वीट को हाईएस्ट प्रोडक्शन कर सकता हूँ तो 25 यूनिट। तो इसको अगर मैं ऐसे जोड़ दू ना यहाँ तक, यहाँ से, तो ये जो लाइन बना है इसको स्लोप बोला जाता है। तो ये जो मेरा लाइन है, तो इसको अपन बोलते हैं पीपीसी कर्व, इसी को हम क्या बोलते हैं, पीपीसी कर्व। तो आपको ऐसे पूरे एक एक एक्सप्लेन नहीं बनाना है कि अगर आप इसको ऐसे बनाए तो यहाँ से 10 ले लिए, फिर ये आपका 20 हो गया, फिर ये आपका 30 हो गया,
फिर ये आपका 40 हो गया, फिर 50, इधर से 5, 10, 15, 20, फिर ये 25। अब देखिए आप जब 50 यूनिट था तो 0 ये था, फिर जब 40 किए तो 5 यूनिट, तो 40 से आपका ऐसे करके ये ऐसे आ गया। ऐसे आपको बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब ये आपका इसी में आ जाएगा। तो एक एक जो आपको क्लियर नहीं बनाना है, बस यहाँ तक भी बना लेते हैं तो काफी है। तो ये आपको क्लियर है यहाँ तक कि भाई 50, हमको 50 मैक्सिमम यहाँ तक। तो ये हमारा बन गया पीपीसी कर्व, ये इसको बोला जाता है पीपीसी शेड्यूल, ये होता है हमारा पीपीसी कर्व। तो यहाँ नीचे में वो बना के दिया हुआ है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे, देखो यहाँ पर डायग्राम बना के दिया हुआ है, ये बन गया। दो एजम्पशन हमको लेना पड़ता है, एजम्पशन ऑफ पीपीसी, तो गिवन आर रिसोर्स आर गिवन, गिवन रिसोर्स आर फुल्ली एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, टेक्नोलॉजी रिमेन कॉन्स्टेंट, और चौथा हम यहाँ पर ले लेंगे ओनली टू गुड्स आर यूज, ओनली टू गुड्स आर प्रोड्यूस, सिर्फ दो ही गुड्स के बारे में बात करेंगे। तो चार हमको एजम्पशन लेना पड़ता है पीपीसी के लिए, पीपीजी लिखा गया है, पीपीसी के लिए रिसोर्स आर गिवन, गिवन रिसोर्स आर फुल्ली एंड एफिशिएंट यूटिलाइज्ड एंड टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट। तो ये हमारा पीपीसी है। अगर आपको 5 नंबर के लिए बेटा पूछा जाएगा कि पीपीसी कर्व क्या होता है एक्सप्लेन करो करके, तो मीनिंग लिखेंगे, एजम्पशन लिखेंगे, और जैसे मैंने आपको शेड्यूल बना करके दिया हूँ ये शेड्यूल बनाएंगे और ये आपको ग्राफ प्रेजेंट कर देंगे। क्लियर है? देन उसके बाद पढ़ेंगे कि पीपीसी कर्व का, यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि पीपीसी कर्व का प्रॉपर्टी। तो पीपीसी कर्व के दो प्रॉपर्टी है, पीपीसी कर्व का सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि पीपीसी कर्व स्लोप डाउनवर्ड, पीपीसी कर्व स्लोप डाउनवर्ड, पीपीसी कर्व का स्लोप क्या होता है डाउनवर्ड होता है, पीपीसी कर्व का स्लोप डाउनवर्ड होता है, मतलब जो उसका जो स्लोप, स्लोप मतलब ये जो लाइन है ना उसको स्लोप बोलते हैं। तो पीपीसी कर्व ना डाउनवर्ड जाता है, देखो ऐसे जा रहा है, नीचे जा रहा है, यहां से नीचे जा रहा है, तो डाउनवर्ड स्लोप, ठीक है। तो पीपीसी कर्व का जो स्लोप होता है क्या होता है डाउनवर्ड होता है। और सेकंड अगर अपन बात करें सेकंड का प्रॉपर्टी का, तो पीपीसी कर्व शो कॉनकेव टू द ओरिजिन, पीपीसी कर्व शो कॉनकेव टू द ओरिजिन, कॉनकेव। पहले आप लोग अगर क्लास 10 में पढ़े होंगे तो ऐसे पढ़ते थे, इसको कॉन्वेक्स बोला जाता है, और ऐसे जो ग्राफ बनता था उसको कॉनकेव। तो पीपीसी कर्व का जो स्लोप बनता है ना वो कॉनकेव के स्लोप में बनता है, कौन उसका जो स्लोप है कौन से वे में बनता है, कॉनकेव के आकार में बनता है, इसलिए पीपीसी कर्व को क्या बोला जाता है कॉनकेव। तो दो प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, पीपीसी कर्व स्लोप डाउनवर्ड और पीपीसी कर्व शो कॉनकेव टू द ओरिजिन, पीपीसी का स्लोप कर्व, पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड और पीपीसी शो कॉनकेव टू द ओरिजिन, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टी है नीचे में दिया होगा, पहले मैं प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर से आपका टू बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ पीपीसी। तो पीपीसी का बेसिक प्रॉपर्टी में पहला क्या लिखा है, पीपीसी का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप डाउनवर्ड, और सेकंड क्या लिखा है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो पीपीसी कर्व का स्लोप डाउनवर्ड होता है और पीपीसी कर्व कौन सा ओरिजिन बनता है, कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। क्लियर है? अब मेरा क्वेश्चन ध्यान देना, मैंने बोला पीपीसी कर्व ये है आपका, ये इसका जो प्रॉपर्टी है ये डाउनवर्ड होता है और ये कॉनकेव टू द ओरिजिन बनता है, ये मेरा पीपीसी कर्व है। यहां आ गया आपका एक्स और इधर आ गया आपका वाई। मेरा क्वेश्चन है क्या पीपीसी कर्व शिफ्ट हो सकता है, क्या पीपीसी कर्व रोटेट हो सकता है, पीपीसी कर्व शिफ्ट और रोटेट। रोटेट का मतलब होता है, मान लो जाए रोटेट का मतलब, जैसे अगर आप सुन रहे हैं भाई मेरा बातें और मैं आपको बोलूं कि आप कहाँ बैठे हो, और आप बोल रहे हो कि सर हाँ हम अपने एक टेबल चेयर पे बैठे हैं, तो जिस पोजीशन में बैठे होगे मैं बोल दिया आप पीछे हो जाओ, आप जिस जगह में बैठे हो बस आप पीछे हो जाओ, तो आप अपने आप को ऐसे चेंज कर दिए तो आप क्या हो गए, रोटेट हो गए, एक ही जगह में रह करके आप पीछे मुड़ गए, तो उसको बोलते हैं रोटेशन, ठीक है। आप रोटेशन, मैं आपको पूछा कि भाई आप कहाँ बैठे हो, तो सर आप बोलते हो कि सर हम अभी हॉल पे बैठे हुए हैं, तो मैं बोला एक काम करो आप अपने हॉल से उठो और अपने रूम पे चले जाओ,
तो रूम हॉल से कहाँ चले गए रूम, तो इसको बोलते हैं शिफ्ट होना, इसको क्या बोलते हैं शिफ्ट होना। तो शिफ्ट मतलब एक जगह को छोड़ के दूसरे जगह कर जाते तो उसको शिफ्ट बोला जाता है, और रोटेट मतलब क्या होता है सेम जगह पे ही रह करना उसको रोटेट बोलते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल दें कि जैसे पीपीसी कर्व ये पुराना है, अब अगर ये नया पीपीसी कर्व यहां से फिर से ऐसे बन गया तो ये पुराना पीपीसी से ये यहाँ एक्सटेंड हुआ, तो ये इसको बोलते हैं शिफ्ट होना, इसको क्या बोलते हैं शिफ्ट होना। या तो वो आगे जा सकता है या तो कम होता है, तो इसको अपन बोलते हैं शिफ्ट होना। और अगर रोटेट होना मतलब एक वैसे ही रहेगा और दूसरा ऐसे यहां से चेंज आएगा, मतलब यहां से एक साइड सेम था और एक जगह थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, मतलब यहाँ पास अगर देखें तो पैडी ऐसा ही था और वीट इंक्रीज हुआ है। तो वीट मतलब एक पॉइंट सेम जगह रहता है, एक एक्सिस में जो है वैसे ही रहेगा और दूसरा जगह हो रहा है, या अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये सेम जगह पे है यहाँ से ऐसे रोटेट हो गया। तो एक जगह अगर आप रुके हुए हैं और दूसरा अगर चेंजेस हो रहा है तो उसको रोटेशन बोला जाता है, शिफ्ट मतलब पूरा दोनों चेंजेस शिफ्ट होते हैं तो उसको शिफ्ट बोला जाता है। क्लियर है? कभी कभी क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि पीपीसी कर्व कब शिफ्ट होता है और पीपीसी कर्व कब रोटेट होता है, तो ध्यान देना पीपीसी कर्व शिफ्ट तब होता है जब रिसोर्स में चेंजेस आता है। रिसोर्स में चेंज आता है तो पीपीसी कर्व शिफ्ट होता है, और टेक्नोलॉजी में चेंजेस आता है तो पीपीसी कर्व रोटेट होता है। शिफ्ट तब होता है जब पीपीसी कर्व रिसोर्स में चेंज आता है तो पीपीसी कर्व शिफ्ट होता है, और रोटेट कब होता है जब टेक्नोलॉजी में चेंजेस आता है तो पीपीसी कर्व रोटेट होता है। जैसे अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, शिफ्ट और रोटेशन ऑफ पीपीसी, तो चेंज इन रिसोर्स, अगर रिसोर्स में चेंजेस आ रहा है तो पीपीसी कर्व शिफ्ट होगा। जैसे यहाँ पास देखो क्या लिखा है, रिसोर्स आर इंक्रीज्ड, रिसोर्स आर इंक्रीज्ड, मान लो जाइए आपका जमीन है, अब जमीन और आपको पड़ोसी का जमीन बेच रहा था तो आपने उसका जमीन खरीद लिया तो ये जमीन भी आपका हो गया। पहले इतना जमीन हुआ करता था, अब ये जमीन आपका हट गया, तो ये जमीन हटने से ये पूरा जमीन अब आपका हो गया। तो ये पूरा जमीन आपका हो गया मतलब रिसोर्स बढ़ गया, अब रिसोर्स बढ़ गया तो आपका प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। तो पहले आप प्रोडक्शन यहां तक करते थे ये ए से बी तक, अब आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगा तो इसको अपन ग्रोथ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं ग्रोथ। तो यहाँ लिखा है इफ रिसोर्स आर इंक्रीज वी कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ द बोथ द गुड्स अकॉर्डिंग टू पीपीसी शिफ्ट टू द राइट, तो इससे पीपीसी क्या हो जाएगा राइट शिफ्ट हो जाएगा। तो वैसी रिसोर्स आर रिड्यूस, अगर आपका जमीन था इतना बड़ा आपका जमीन था, आप अपने जमीन को कम कर दिए बेच दिए तो अब आपका जमीन इतना ही बचा तो आपका आपका प्रोडक्शन क्या होगा कम होगा, तो आपका प्रोडक्शन यहाँ कम हो गया। तो इफ रिसोर्स आर रिड्यूस वी कैन प्रोड्यूस लेस ऑफ द बोथ द गुड्स अकॉर्डिंग टू पीपीसी शिफ्ट टू द लेफ्ट एज शोन फिगर 3। चेंज इन टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है तो रोटेट होता है, तो जैसे मैंने आपको यहाँ लिखा था ये आपको दिया हुआ है यहाँ। क्लियर है? तो हमने क्या क्या पढ़ लिया भाई, हमने सबसे पहले देखा पीपीसी कर्व क्या होता है, तो पीपीसी कर्व क्या होता है लिखा है पीपीसी कर्व इज अ कर्व शोइंग अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑफ टू गुड्स विद गिवन रिसोर्स एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। फिर देखा शेड्यूल की कैसे पीपीसी कर्व बनाते हैं, तो हमने देखा कि भाई अपना जो प्रोडक्शन का मैक्सिमम लिमिट है उसमें हमने देखा कि पैडी कितना बन सकता है वीट, उसके बाद वीट को अगर बढ़ाएंगे तो पैडी को कम करना पड़ेगा, फिर हमने उसको डायग्राम में बना दिया। फिर उसके बाद पीपीसी का दो प्रॉपर्टी पढ़ा कि पीपीसी का स्लोप डाउनवर्ड होता है, सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ा पीपीसी कर्व कॉनकेव जाता है। सर कभी कभी कोई पूछ देता है कि सर पीपीसी का स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है, डाउनवर्ड होने का कारण क्या है, तो आप याद रखना एमओसी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आगे जाऊंगा इसलिए मैं अभी अभी इसके नीचे टॉपिक आएगा इसलिए नहीं बताया था। तो पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड होता है और पीपीसी स्लोप कॉनकेव टू द ओरिजिन, पीपीसी का स्लोप डाउनवर्ड होने का कारण है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आगे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हमने एजम्पशंस देखा, एजम्पशन में चार एजम्पशन, रिसोर्स आर गिवन, रिसोर्स आर गिवन, रिसोर्स आर फुली एंड एफिशिएंट यूटिलाइज्ड, टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट, ओनली टू गुड्स आर प्रोड्यूस। उसके बाद पीपीसी कब स्लो शिफ्ट हो सकते हैं क्या सर, यस सर पीपीसी कब शिफ्ट हो सकता है, कब शिफ्ट होगा जब रिसोर्स में चेंज होगा, अगर रिसोर्स बढ़ेगा तो इंक्रीज होगा पीपीसी पीपीसी आपका राइट वर्ड शिफ्ट होगा, और अगर रिसोर्स डिक्रीज होगा तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा। चेंज इन
टेक्नोलॉजी, चेंज इन टेक्नोलॉजी से रोटेशन होता है। अगर किसी एक कमोडिटी का रिसोर्स चेंज हो रहा है तो वो उस कमोडिटी जो चेंज हो रहा है वो कम ज्यादा होगा, तो इसको आप इसमें देख लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मतलब क्या होता है? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है बेस्ट नेक्स्ट अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्स। अपॉर्चुनिटी मतलब होता है बेस्ट नेक्स्ट अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्स। जैसे मैंने आपको बोला कि भाई आपका 10th में कितना रिजल्ट आया, तो सर मैंने बहुत पढ़ाई किया था, बहुत पढ़ा बहुत पढ़ा, लेकिन मैं सोच रहा था सर मेरा 90% आएगा, बट मेरा 10th में आ गया 70%, मैं बहुत दुखी हूँ। तो आपको क्या बोलते हैं? आपके दिल बहलाने के लिए बोलते हैं कि एक सिंगल पेपर आपका लाइफ को डिसाइड नहीं कर सकता, कोई दिक्कत नहीं है, परसेंट अपने जगह है, नॉलेज अपने जगह है। फिर आपको बोलता है कि ठीक है ना, 10th में आपने इतना लाया ना, अभी आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी है 12th। 12th का परसेंट बहुत वैल्यू होता है, आप 12th में अच्छे से मेहनत करना। तो 12th का परसेंट के लिए आप मेहनत करने लग जाते हो, तो इसी को बोलते हैं कि अगर ये नहीं ठीक हो पाया तो हमारे पास एक और ऑप्शन आ रहे हैं सामने पे, सामने वाले चीज पे ध्यान देना। नेक्स्ट बेस्ट नेक्स्ट अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्स, मतलब नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, अपने को यहाँ पास जो बाजू वाला जो नेक्स्ट है उस पे फोकस करना है। तो अपॉर्चुनिटी मतलब क्या होता है? अपॉर्चुनिटी तो बेस्ट नेक्स्ट अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्स। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ गुड्स एक्स टेंड टू इंक्रीज इन द टर्म ऑफ लॉस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वाई, इन दिस इन अदर वर्ड ट्रांसफॉर्मिंग और रिसोर्स फ्रॉम वन यूजर्स टू अदर। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि हमको पैडी बस बना रहे थे, फिर हमको लगा यार पैडी में ज्यादा कमाई नहीं है, थोड़ा सा और हम वीट भी प्रोडक्शन कर ले तो दोनों प्रोडक्ट को बनाएंगे तो दोनों से हमको कमाई मिल जाएगा। तो हमने देखा कि पूरा पैडी लगाते थे तो 50 यूनिट का होता था, तो हम वीट लगा ही नहीं पा रहे थे। तो अब हमको इसको कमाने के लिए हमको अपना बेस्ट नेक्स्ट, तो एक को लॉस करना पड़ा 50 30 को 40 के, तो हमारा पैडी कम हो गया, तो हमारा यहाँ पर उसके जगह 5 यूनिट का क्या हो गया, वीट आ गया। तो ऐसे हम इसको फिर 30 किए तो यहाँ पर हमारा 10 यूनिट, तो एक कम हो रहा है तो एक बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है तो एक बढ़ रहा है। तो एक को कम करने से अगर दूसरा बढ़ रहा है तो इसको अपन बोलते हैं एक के कम होने से दूसरा बढ़ना। तो एक इसके बदले पैडी को कम कर रहे हो तो अपॉर्चुनिटी किसको मिल रहा है? वीट को मिल रहा है। बेस्ट नेक्स्ट अल्टरनेटिव ऑफ यूज ऑफ रिसोर्स, तो ये आपका क्या कहलाएगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर है? उसी के जगह मार्जिनल अपॉर्चुनिटी, ये सब फालतू है, उसको पढ़ लेना। अब यहाँ पर आ जाते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में, देखो क्या लिखा है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिफर टू द वैल्यू ऑफ फैक्टर इन द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज। अब उसके बाद यहाँ पर लिखा है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो मार्जिनल मतलब होता है एडिशनल। मार्जिनल वर्ड समझते ही समझ जाना एडिशनल, एडिशनल। जैसे यहाँ पर लिखा था प्रोडक्ट पैडी वेट, ये था 50 40 30, ये था आपका 0 5 10। 50 से 10 40 गया तो एक यूनिट, मतलब 50 से 40 गया तो 10 यूनिट के चेंज होने से वीट कितना यूनिट इंक्रीज हुआ, एडिशनल। एक के इतना कम होने से दूसरे में कितना चेंजेस आया, ये जो कैलकुलेट करते हैं उसी को मार्जिनल बोला जाता है। तो मार्जिनल का मतलब क्या होता है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसका दूसरा नाम है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द रेट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द रेट एट विच आउटपुट ऑफ गुड्स वाई, जो कम हो रहा है उसको गुड्स वाई ले लेते हैं, इज टू बी सेक्रीफाइज फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ गुड्स एक्स। मतलब ये पी को मैं, पैडी को मैं वाई यूनिट ले रहा हूँ, और ये जो वीट है उसको मैं क्या ले रहा हूँ? एक्स ले रहा हूँ। इट रिफर्स टू द स्लोप ऑफ पीपीसी। और ये आपके लिए एमपीए की मार्जिनल अपॉर्चुनिटी और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डिफरेंस बिटवीन, यहां तक आप अच्छे से रीड कर लेंगे। कोई डाउट है तो अनम्यूट करके पूछें।